न्यायाधीश ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म हत्या के मामले में सुनाई फांसी की सजा। 6 वर्ष पूर्व 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 14 चंद्र विजय ने फांसी की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामचंद्र राजपूत द्वारा चिन्हित मुकदमा में 1.5 वर्षीय बालिका का सरेआम अपहरण कर दुष्कर्म करने के पश्चात हत्या करने के मामले में सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह द्वारा की गई। घटना थाना कोतवाली देहात के ग्राम कंथा थोक की 17 मार्च 2014 की है। एक मुकदमा राज बनाम गुड्डू गब्बू थाना कोतवाली देहात का लगा था, उसमें 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ जो है रेप विद मर्डर, रेप करने के बाद उसकी हत्या करके लाश गायब कर दी गई थी। उस मुकदमे में तमाम साक्षियों को एकत्रित करने के बाद आज वो निर्णय में लगा था। उस मुकदमे को हमने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत चिन्हित किया था। अपने ADGC को भी निर्देशित किया था कि उसमें प्रभावी पैरवी करें। उसी के तहत उन्होंने प्रभावी पैरवी की और हमारे ADGC के तमाम जो पीस पेश किए गए साक्ष्यों को जज साहब ने लिया और उसके अंतर्गत उनको मुलजिम को आज मृत्युदंड से दंडित किया और 1,00,000 रुपये जुर्माना से भी दंडित किया है, जिससे समाज में एक ऐसा संदेश जाएगा कि भविष्य में कोई भी अपराधी ऐसा कृत्य न करे। आज महिलाओं के प्रति जो उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है, उसका भी जो आज उन जज साहब ने निर्णय दिया वो भी उससे कम अछूता नहीं है। आज जनपद न्यायाधीश जज साहब ने जो भी निर्णय दिया, उन्होंने वास्तव में एक ऐसा निर्णय दिया जिससे लोगों को न्याय, अब न्यायालय से और ज़्यादा उम्मीद जगी है। सर, आप आरोपी पक्ष के तरफ से वकील हैं, फैसला दिया है मृत्युदंड का, किस तरीके से आप इस पूरे फैसले को लेते हैं और क्या इस फैसले के खिलाफ आगे जाएंगे? फैसला तो साक्ष्य के आधार पर हुआ है। हमने भी बहुत प्रयास किया अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब आगे क्या करेंगे इस फैसले की? देखो, अगर क्लाइंट चाहेगा तो मुलजिम गुड्डू गब्बू, इसके विरुद्ध 1.5 वर्षीय बच्ची को अपहरण कर उसका दुराचार करके उसकी हत्या कर उसकी लाश को छुपाने का आरोप था, जिसके बाद अभियोजन ने साक्षियों को बुलाकर अपने केस को प्रभावी तरीके से संदेह से रहित साबित करके अभियुक्त को मैक्सिमम दंड जो होता है हमारे IPC में, उसको जो है फांसी की सजा से दंडित कराया है। माननीय न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है और हम सब इसकी सराहना करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा था, उसी में जिला शासकीय अधिवक्ता श्री रामचंद्र राजपूत द्वारा इस मुकदमे को चिन्हित किया गया था और मुझे निर्देशित किया गया था कि उप मुकदमे में प्रभावी पैरवी करें। अच्छा, एक मासूम को 7 साल लग गए न्याय पाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि न्याय व्यवस्था जो है, जो न्यायालय है, इतना लंबा समय लग जाता है एक मासूम को न्याय पाने के लिए, किस तरह देखते हैं? न्याय व्यवस्था में साक्षियों को बुलाने में जो समय लगता है, उसी की वजह से लेट होता है निर्णय, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है न्यायपालिका में कि जिससे निर्णय में कोई विलम्ब हो। कितने साल का आरोपी है और कितने वर्ष की बच्ची थी और किस तरीके से इसने पूरी जो है जघन्य वारदात को अंजाम दिया था? बच्ची 1.5 वर्ष की है और अभियुक्त घटना के समय लगभग 52 वर्ष का था, जैसा कि पुलिस रिपोर्ट में है। और इसको ये घर के बाहर खेल रही थी और इसको गोदी में उठाकर ले गया और उसके बाद इसने उसके साथ गलत काम किया, उसकी विभत्स तरीके से उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या की।
उसके बाद उसने इस लाश को छुपाने के लिए उसको तालाब में फेंक दिया।